गुड मॉर्निंग। तो हम हैं चेकआउट करने के लिए रेडी। 10 बज रहा है और बहुत ही सुंदर दिन निकला, बहुत ज़्यादा। और ऑफ कोर्स मेरे बात करने के तरीके से शायद आप बता सकते हो कि मेरे अंदर एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि कल हम बहुत अच्छे से सोए हैं और बहुत अच्छे से नींद पूरी की। और पीछे देखो पूरा लेक का व्यू, ये जो सिल्वर सिल्वर आपको दिख रहा है ये पूरी लेक है। बहुत ही सुंदर दिन है, तो हम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार रूम दिखा देती हूँ। तो ये ऑफकोर्स यहाँ पर बालकनी है, सीटिंग वगैरह दी हुई है और सामने रोड चली रही है थ्रू आउट द टाइम। बालकनी से आते यहाँ पे वर्किंग डेस्क दिया हुआ है, एक लाउंजिंग सोफ़ा और ये माइनस द होल रूम। काफ़ी अच्छा रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है एक्चुअली। जो हमने ऑकलैंड में लिया था रमादा में, उससे काफ़ी बेहतर है। बट ऑफकोर्स ये लॉज है, तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें ही अवेलेबल हैं। कॉफ़ी केटल वगैरह जो है यहाँ पे, कप वगैरह दिया हुआ है। ये मेन्यू नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह है कोई भी अगर आपको आसपास के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए। काफ़ी बेसिक सा बाथरूम है बट काफ़ी साफ़ सुथरा है, काफ़ी साफ़ सुथरा, तो पसंद आया मुझे ये रूम। हमें पड़ा था $140 में। जो लेक फ्रंट में थे वो करीब 300 के आसपास पड़ रहे थे। किचन हाँ, और $160 में आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में जितने भी एयरकॉन होते हैं वो हीटर का भी काम करते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप सर्दी में आ गए तो आपको अलग से हीटर की ज़रूरत है। ये 30-35 डिग्री 32 डिग्री तक जाता है, तो हीटिंग के भी काम आएगा। प्लस इस लॉज में इन्होंने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी दिया हुआ है बेड में, तो अगर आप मई से सेप्टेम्बर के बीच में आ रहे हैं, ये जगह बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली अपने आप को वार्म रख रहे हैं। अब यहाँ से निकलते हैं और आपको किचन दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं बाहर। यहाँ का कॉमन किचन 10 बजे बंद हो जाएगा। ये है यहाँ का कॉमन किचन, आप अपना खाना लाइए और यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे सारी बेसिक फैसिलिटी, गैस, बर्तन, फ्रिज, ओवन, माइक्रोवेव सब दिया हुआ है। ये है यहाँ का ब्यूटीफुल सा व्यू। अगर आप खाना पका रहे हैं यहाँ पे, तो याद रखिए कि बर्तनों में लोगों ने नॉन वेज भी पकाया है, तो अगर आप सेम बर्तन नहीं यूज़ करना चाहते तो कॉमन एरिया यूज़ करने के बजाय रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर लीजिए। एक चीज़ जो न्यूजीलैंड की सबसे अच्छी लगती है कि व्हेनेवर यू कम आउट ऑफ योर रूम और योर हाउस, तो एक जो फ्रेश हवा आती है आपको काफी अच्छा फील होता है उस चीज़ से। यू कैन फील द फ्रेश एयर। हाँ, भारत में ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा मिस करते हैं। अनलेस अंटिल आप खेतों में रहते हो, पहाड़ों में रहते हो, दिल्ली जैसी सिटी में, तो ये चीज़ आप कभी अनफॉर्चुनेटली इमेजिन के आप फील कभी नहीं कर पाओगे। हाँ। है ना, इमेजिन तो आप तब करोगे ना जो पॉसिबिलिटी हो। अभी तो क्लॉक रूम में सामान रख दिया, अभी घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या, लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। आई हैड लिक्विड ब्रेकफास्ट। विशाल का तो हॉलीडे मोड ऑन है, क्योंकि हमें कल से जाना है बिजनेस ट्रिप में। कल मैंने 6 स्टबीज ली थी, 4 तो मैंने कल थकान में वो करके ऐसे पी, कैसे पी तो थका हुआ सो जाता हूं, उठ गया, फिर रिलीज हो गया। अभी 2 स्टबीज बची थी सुबह, फिर मैं यार अब इसका क्या उठा के लेके थोड़ी ना घूमूंगा कांच की बोतलें, तो फिनिश करो इसको। एंड आई एम फीलिंग रियली गुड अबाउट इट। नाइस, मैंने तो मस्त कॉफी पी। कॉफी तो मैंने भी पी लेकिन बाद में फिर दिखाई दी, इट डिडंट वर्क फॉर यू, इट डिडंट वर्क फॉर मी। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ खाने पीने का ऑप्शन और एक्टिविटीज में क्या करेंगे। खाने पीने का सीधा 12 बजे एक साथ ही करेंगे, ब्रेकफास्ट लंच सब। हो सकता है मेरा मन हो और मैं खाऊं, थोड़ा सा मैं भी खा लूं। खाना सब है, बस नखरे दिखाने। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं आज। बाहर आते ही इतना अच्छा लग रहा है ना, ऊपर पहाड़ दिखाऊंगा। जो चीज दिखानी है वो देखो, 10 बजे चांद दिख रहा है और ये पूरी जो घाटी पे देखो घर बने हुए हैं, एकदम आइसोलेटेड जगह पे, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा। पीछे इंडियन रेस्टोरेंट में ऐसे बोर्ड लगा हुआ था इंडियन रेस्टोरेंट का, क्या नाम है उसका, मास्टर ऑफ इंडिया, ऐसे फोटो लगा रखी थी सारे खाने की, जिससे भूख ना लगे, वो भी भूख लग जाए फोटोज देख देख के। लेकिन आज मैं अडिग हूँ कि मैं कीवी रेस्टोरेंट में ही लंच करूंगा, फिश एंड चिप्स का, ठीक है, मैं अपने फैसले से नहीं हिलूंगा बिल्कुल। देखते हैं कितना भी मेरे को टेम्पटिंग लगे इंडियन खाना, मेरा मन बहुत कर रहा है बटर चिकन राइस खाने का, लेकिन मैं नहीं हिलूंगा, तो मतलब नहीं हिलूंगा आज, मैं खाऊंगा तो कीवी फूड ही खाऊंगा, इंडियन नहीं खाऊंगा आज, कुछ भी हो जाए। चलो देखते हैं, चाहे मेरे को मैक्सिको की चिली खानी पड़े। एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है और यहाँ पे जितने भी बिकाऊ घर हैं वो भी लगे हुए हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है एरिया के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो आप देख सकते हैं।
बिजी है इस टाइम में, लेकिन फिर भी इतनी शांति है। सारे कैफेज वगैरह देखेंगे, मोस्टली लोग अभी रेस्टोरेंट्स में ही खाना पीना खा रहे हैं और पूरा रास्ता खाली है। देखो एक कैरावन आई है यहाँ पे और इतने अच्छे से इन्होंने एडजस्ट किया है, ऊपर क्या किंग बोट्स, पीछे साइकिल, ऐसे आप कैरावन हायर करके अपनी चीजें एडजस्ट करके ला सकते हैं या फिर यहाँ पर आकर हायर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे व्यू देखो, थोड़ी देर पहले जो फ्लोट प्लेन उड़ा था उसके यहाँ पे अलग अलग प्राइसेस दिए हुए हैं। तो $140 पर पर्सन से शुरू है और ऑफ कोर्स प्राइसेस वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस जगह पर जा रहे हैं। और पीछे राफ्टिंग का जो प्राइस है वो दिया है $410 पर एडल्ट, सो इट्स अप टू यू आपको क्या सूट करता है। यहाँ पे टापू फ्लोट प्लेन है, बेसिकली आप जब सिटी क्रॉस करके एकदम एंड में आते हैं तब आपको यहाँ पे सारी एक्टिविटीज वगैरह करने को मिलेगी। और इन लोगों को देखो सब आगे पीछे घूम रहे हैं मजे से, एकदम पैर के पास पास आके चोंच मारने के लिए रेडी रहते हैं। मैं आपको इस शहर और इस लेक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इतनी बड़ी लेक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका नाम है लेक टाउपो। पहले हम इसे टाउपो बुलाते थे बट एक्चुअली द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज लेक टाउपो। लेक टाउपो का साइज जो है वो करीब सिंगापुर के बराबर है। जैसे ही आप लेक फ्रंट पे आते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बीच के किनारे आके बैठे, अदर देन कि यहाँ का पानी बहुत ज्यादा शांत है और लहरें कंटिन्यूसली आ रही हैं। कहा जाता है कि करीब 2000 साल पहले एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, यानी कि ज्वालामुखी फटा था। वो ज्वालामुखी इतना ज्यादा बड़ा था कि यूरोप या चाइना के ऊपर जो आसमान है उसे काला कर सकता था। अब इस ज्वालामुखी के फटने के बाद जो गड्ढा बचा वहां पर 3 नदियों का पानी आकर इकट्ठा होने लगा। ये 3 नदियां वाइताहा नुई, तोंगारिरो रिवर और तीसरे का नाम मैं भूल गई, इन 3 मेजर नदियों का पानी उस कुंड में या जो खाली जगह बची ज्वालामुखी फटने के बाद उस पर आकर इकट्ठा होने लगा। अब इन तीनों नदियों का पानी कुंड में इकट्ठा हुआ तो बने लेक टाउपू। अब तीनों नदियां गिरती तो लेक टाउपू पे हैं, लेकिन लेक टाउपू से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है वाइकातो नदी, और वाइकातो नदी के नाम पर ही इस रीजन का नाम वाइकातो पड़ा है। अब जब लेक टाउपू से वाइकातो नदी शुरू होती है तो वो करीब 100 मीटर चौड़ी होती है, और वो 100 मीटर चौड़ी नदी थोड़ी दूर जाकर बहुत ही नैरो फनल के तौर पर नीचे गिरती है जो क्रिएट करती है हुका फॉल्स। हुका फॉल्स न्यूजीलैंड का और टाउपू का एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और वो फॉल एक हाइड्रो पावर की तरह आपको दिखता है। वहां पर 220,000 लीटर पानी पर सेकेंड गिरता है। जब इतना सारा पानी एक रोर के साथ नीचे गिरता है तो काफी ज्यादा रोरिंग साउंड जो है वो क्रिएट होता है। और हुका फॉल्स में जाने की कोई फीस नहीं है बट बहुत ही सुंदर जगह है, और अगर आप टाउपू में हैं तो इसे मिस मत करिए। लास्ट टाइम हम वहाँ पे गए थे, आज का पता नहीं हम जा पाएंगे या नहीं, बट सिटी सेंटर से हुका फॉल्स की दूरी 10 मिनट की ड्राइव है, बसेस भी चलती हैं, और आप चाहें तो वाइकातो नदी के किनारे किनारे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं जिसमें करीब आपको 1.5 घंटे के आसपास लगेंगे। ये पूरे पहाड़ जो पीछे आपको दिख रहे हैं ये टोंगारिरो नेशनल पार्क के ही हैं, वही रेंज है, और यहीं से 3 जो मेजर नदियां मैंने बताई उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी नदी इस लेक को बनाती हैं।